मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है हाफिज मोहम्मद सईद। कश्मीर में जिहाद और भारत के खिलाफ आग उगलता हैवान हाफिज सईद। पाकिस्तान की जमीन पर पलता है हाफिज सईद, जिसके ऊपर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा है, वो है हाफिज सईद। ये बात तो अब किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान आतंक और आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है। लेकिन आज क्राइम तक पर हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल पुलवामा हमले के बाद से सरकार कड़ा रुख अपनाते हुए अलगाववादी नेता पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आतंकियों की फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है और इसी के चलते लश्कर ए तैयबा जैसे जुड़े कश्मीरी बिजनेसमैन जहूर अहमद शाह वटाली की गुरुग्राम में तकरीबन 1 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी की माने तो ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की गई है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं। असल में गुरुग्राम में एक विला है जिसे जहूर अहमद शाह वटाली ने खरीदा था। अब आपको बता दें कि जहूर अहमद शाह वटाली कौन है। तो जहूर अहमद शाह वटाली और कोई नहीं बल्कि लश्कर ए तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के बैंकर और फाइनेंसर हैं। ईडी के मुताबिक गुरुग्राम में विला सईद के फाइनेंसर कश्मीरी व्यापारी जहूर अहमद शाह वटाली ने खरीदा था। पिछले साल ही वटाली को एनआईए ने आतंकी संगठनों को फंडिंग करने के मामले में दबोचा था। ईडी के मुताबिक इस संपत्ति की कीमत बाजार मूल्य की तुलना में काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 2017 में आतंकियों की मदद देने के आरोप में वटाली समेत 18 के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले की एनआईए जांच अब भी कर रही है। ईडी सूत्रों की माने तो ये विला फलाए इंसानियत फाउंडेशन के पैसों से खरीदा गया था, जिसे हाफिज सईद पाकिस्तान में चलाता है। ये भी बताया जा रहा है कि विला खरीदने के लिए पैसा यूएई से हवाला के जरिए भारत में पहुंचता है और इसी पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। आतंकी हाफिज सईद का ये विला डीएलएफ के फेज 2 में स्थित है। एनआईए की टीम लगातार इस मामले में जहूर की जांच में जुटी हुई है। खबरों की माने तो जहूर वटाली का लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के साथ संबंध है। हाफिज सईद हिजबुल मुजाहिदीन और सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकियों के साथ वटाली के संबंध बताए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।